गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर स्टूडेंट, इट इज योर मैथ्स पीरियड। आई विल टीच एक्सरसाइज 12 एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके 1-3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आज 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। ठीक, तो सभी भैया मैं वीडियो को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। बात सबको समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। कॉपी निकालेंगे सब लोग अपनी, कॉपी निकाल के डेटा लेंगे 28 12 20 शीट उड़ा लेंगे, एक्सरसाइज पर उड़ा लेंगे। समझने के बाद अब देखिए क्वेश्चन है 4 नंबर, द नेम फॉर रिकॉर्डेड फॉर द मंथ्स ऑफ हाफ द ईयर इन अ टर्म। ये जो वर्षा की रिकॉर्ड की गई है, वर्षा सेंटीमीटर में रिकॉर्ड की गई है और ये पूरे साल के आधे वर्ष की है, मतलब 6 महीने की ये रिकॉर्ड की गई है रेनफॉल। तो पहले महीने में 2.7 है, दूसरे में 5.3 सेंटीमीटर है, चौथे में 1.5 सेंटीमीटर है, 5 नंबर में 4.8 सेंटीमीटर है और 6 नंबर में 5.5 सेंटीमीटर एंड 6 नंबर में है 3.2 सेंटीमीटर। तो समझाएंगे ये 6 मंथ की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। अब मैं पढ़ना क्या है, व्हाट वाज द मंथली एवरेज रेनफॉल फॉर द पीरियड। तो इस पीरियड में 6 महीनों में औसत रेनफॉल कितनी हुई है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। हमने आपको एवरेज निकालने का फॉर्मूला बता दिया था, तो क्या है यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखा, लिखने के बाद में सॉल्यूशन लिख दिया। अब यहां पर हमें करना क्या है, एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू the sum of recorded rainfall और number of months ठीक। ये फार्मूला है एवरेज निकालने का। अब द सम ऑफ रिकॉर्डेड रेनफॉल, जो 6 मंथ में जो रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है उन सभी को, यानी कि 2.7, 5.3, 8.5, 4.8, 5.5 और 3.2, इन सब को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। क्या करना है, तो प्लस कर देना है। देखिए प्लस कर देंगे, 2.7 प्लस 5.3 प्लस 8.5 प्लस 4.8 प्लस 5.5 प्लस 3.2 ठीक, 1 2 3 4 5 6 ये 6 मंथ की हो गई। सबको समझ में आ गया। अब हम नंबर ऑफ मंथ्स कितने मंथ पर है, 1 2 3 4 5 6 मंथ है, तो नीचे हमने 6 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब हमें इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो इनको यहां पर एक लाइन खींच करके हम यहां पर प्लस कर लेंगे। ठीक, देखिए 2.7 5.3 8.5 4.8 5.5 3.2 क्या करते हैं, प्लस। तो 7 3 10 10 5 15 15 और 8 23 23 और 5 28 और 2 30 की 0 हो गई और यहां 3 कर गए थे। असल में ये पॉइंट लग गया 3 2 5 5 5 10 10 8 18 18 और 4 22 22 और 5 27 27 और 3 30 ठीक, कितना आ गया 30.0 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पर आ गया 30.0 सेंटीमीटर।
डिवाइड करते हैं कितना आएगा 6 5 30 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। समझ आ गया किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, आपको समझ आ गया किस तरह से। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे, ठीक। देखिए देखिए 5 to 7, 7 to 10, 10 और 18, 18
एवरेज रन, एवरेज स्कोर है। बात समझ में आ गई। अब इसके आगे आपको मैं होमवर्क दूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 और 5 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके आगे आपको होमवर्क करना है 6 और 7 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाइट्स ऑफ शिल्पा, शिप्रा, शैला, शैफाली एंड शिवम। ये 5 लड़कियां हैं जिनकी हाइट ये है 1 मीटर। शिल्पा की हाइट है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, शिप्रा की हाइट है 1 मीटर 3 सेंटीमीटर, शैला की हाइट है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, शैफाली की हाइट है 1 मीटर 7 सेंटीमीटर और शिवम की हाइट है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। इन सबकी आपको एवरेज हाइट निकालनी है। क्या निकालना है? एवरेज हाइट आपको निकालनी है। ठीक, आपको निकालेंगे सारी हाइट्स को पहले प्लस कर देंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5 गर्ल्स, जो प्लस करने पे आएगा वो 5 से डिवाइड करो। आप समझ गए? इसके बाद नीचे अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ट्रैवलर्स ऑफ अ बोट आर 91.2 kg। ठीक, 72.5 kg, 53.9 kg, 78.4 kg, 64.8 kg, 81.6 kg एंड 89.6 kg। ठीक, 7 ट्रेवलर्स हैं, 7 यात्री हैं बोट में जिनकी इनके वेट है। क्या वेट है? पहले वाले का वेट है 91.2 kg, दूसरे वाले का है 72.5 kg, तीसरे वाले का 53.9 kg, चौथे वाले का है 78.4 kg और 64.8 kg है, 81.6 kg है और 7 नंबर वाला है 89.6 kg। ठीक, अब इनका क्या करना है? एवरेज हाइट निकालनी है। सारी हाइट्स को आप प्लस कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर निकलना है। सही भैया, मैं दोनों क्वेश्चन को ठीक से लगाएंगे जैसे मैंने बताया है, इसी प्रकार से लगाएंगे। ठीक, अभी मैं सुंदर राइटिंग